अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज मैं आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर फिजिक्स 101 लेक्चर में 13 कवर करवाऊंगा। हमने इससे पहले जो है वो एंगुलर मोमेंटम की बात की थी, या मोमेंटम की बात की थी, तो आज हम जो है वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम का मतलब यही होता है कि जिस तरह एंगुलर मोशन की हमने बात की थी या सर्कुलर मोशन की बात की थी, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम जो है हमारे पास होता है। डेफिनेशन देखिए इसकी, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये इसका बेसिक डेफिनेशन है या ये इसका बेसिक फार्मूला है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब हम आर को मल्टीप्लाई करते हैं पी के साथ, अब आपको पता है ना पी का मतलब मोमेंटम है, ठीक है। आर मल्टीप्लाई बाय पी यानी मोमेंटम को जब आप आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्टैंड फॉर, आप यहाँ पे रेडियस कर लें, द मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन इन सेवरल डिफरेंट इक्विवेलेंट वेज। तो जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम डिफरेंट वेज के अंदर लिख सकते हैं, जैसे एल इक्वल टू आर पी साइन थीटा, यहाँ पर जो एल है वो एंगुलर मोमेंटम को जाहिर कर रहा है। इसी तरह से आर साइन थीटा और पी, अब यहाँ पर आपको एक साइन नजर आ रहा है इसका, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाला है जी आर, जब वो परपेंडिकुलर है पी के। इस तरह से आगे देखिए एल इक्वल टू आर पी साइन थीटा आर पी परपेंडिकुलर, यानी एक दफा उन्होंने कहा है कि जो आर है वो परपेंडिकुलर ऑफ पी है, और एक दफा उन्होंने कहा जो पी है वो परपेंडिकुलर ऑफ आर है। तो ये तीन जो डेफिनेशन है या ये जो तीन फार्मूलाज हैं, इनको बस आपने अपने माइंड में रखना है, ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से पूछे जा सकते हैं। उसके आगे कह रहा है कि हम कैलकुलेट करते हैं जी एंगुलर मोमेंटम को किसी भी प्रोजेक्टाइल के थ्रू। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साया, यानी कि अगर आपने कोई एक मैच को फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट से यहाँ पर फेंका है, तो ये इसका प्रोजेक्टाइल थ्रोन है, यानी कि इसका साया जमीन पर आएगा और इसकी जो मोशन होगी जस्ट लाइक इस तरह से होगी, जिस तरह यहाँ पे देखिए आपको बता रहा है। या आप समझ लें ये पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है, तो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है तो इसकी जो मोशन होगी जस्ट लाइक दिस होगी, ठीक है। इस तरह आगे इसकी वेलोसिटी जो है वो आगे चेंज होती रहेंगी, और इसमें जो एंगल्स बनेंगे इस तरह से बनेंगे कि एक एंगल यहाँ पे होगा, यानी एक 90 डिग्री का एंगल होगा, इसी तरह से एक मेरे पास जो होगा वो 60 डिग्री का एंगल होगा, इसी तरह से मेरे पास जो एक जो यहाँ पर एंगल बन रहा है यानी दूसरे पॉइंट पर जहाँ पर मेरी मोशन जाके खत्म हो रही है, वहाँ पर मेरे पास एक एंगल जो है वो क्रिएट हो रहा होगा। यहाँ से इसने मुख्तलिफ जो इक्वेशंस है उसको निकाला है कि एक्स इक्वल टू वी नॉट कोज थीटा टी, ये जो वी नॉट है ये वेलोसिटी को जाहिर कर रहा है, और वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी, अब ये कोज है और ये साइन है। अब आप इसको माइनस करते हैं 1/2 जी टी का स्केयर। अब आप यहाँ पे वेलोसिटीज के जो एक्सपेरिमेंट फॉर्म है जो आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब जहाँ जहाँ पर ये जो फार्मूला है वहाँ वहाँ पर आपने इन्हीं एंगल्स को अप्लाई करना है या इन्हीं एंगल्स को इन्हीं इक्वेशन को लिखना है आपने, तो आपके पास एक फाइनलाइज आंसर आ जाएगा -m/2 जी टी स्केयर वी नॉट कोज थीटा के। पेपर में यहाँ से कोई इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला नहीं है, पेपर में यहाँ से कुछ पूछा तो नहीं जाता, लेकिन बस आपने इसको फिर भी पढ़ के जाना है, फिर भी अपने माइंड में रखना है, इसको स्किप आउट नहीं करना अपने दिमाग से। नेक्स्ट देखिए, अब आपको कह रहा है कि इन केस ऑफ अबव, यानी अगर इसको यूनिट वेक्टर में देखा जाए तो यूनिट वेक्टर में हम इसको कैसे लिखेंगे, के इक्वल टू आई क्रॉस जे, और यहाँ पर हम जो यूनिट वेक्टर है इसके ऊपर हम जो है वो कैप डालेंगे। याद रहे ये जो कैप होता है ये सिर्फ इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये मेरे पास यूनिट वेक्टर है। उसके आगे मोमेंटम जो है वो चेंज करता है बिकॉज ऑफ फोर्स मेक इट्स चेंज, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका कि मोमेंटम कब चेंज करता है। मोमेंटम तब चेंज करता है जब फोर्स जो है वो चेंज होती है। जिस तरह से मैं दोबारा एग्जांपल जो मैंने आपको भी पिछले दी थी कि पिछली एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया था कि ये पॉइंट ए है और दूसरा मेरे पास पॉइंट बी है। अगर फर्ज कर लें मैंने पॉइंट ए से किसी भी जो बॉडी है उसको पॉइंट बी की तरफ फेंका है, तो दिस मीन्स कि जैसे जैसे मेरे पास फोर्स एक्सटेंड करेगी वैसे वैसे मेरे पास जो शक्ल होगी मेरे मैस की या बॉडी की वो भी चेंज करती रहेगी। जिस तरह यहाँ पे देखिए मेरे पास शक्ल जो है वो चेंज है, यहाँ पे मेरे पास शक्ल चेंज है, यहाँ पे भी शक्ल चेंज है। क्यों शक्ल चेंज हो रही है? क्योंकि इसमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है, और जब पीक पॉइंट पर जाके फोर्स मेरे पास ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी या डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो फिर उसका मैस का दोबारा से जो शक्ल होगी वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन आपको अगेंस्ट दे रहा है, अब यहाँ पे टॉर्क की फॉर्म में दे रहा है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क ये हमने प्रीवियस जो लेक्चर है उसके अंदर भी देखा था, टी इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब यहाँ पे आर क्रॉस जो एफ है ये फार्मूला है जनाब टॉर्क का। अब यहाँ पे अब आपको उसका रिलेशनशिप बना के दिखा रहा है कि एल इक्वल टू ओमेगा एल। अब ये जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल जो है यहाँ पर ये शो करता है कि मेरे पास जो स्मॉल चेंज आया है, जिस तरह पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मैंने जाना है, तो दिस मीन्स कि मेरे पास ये स्मॉल चेंज है, यहाँ पे जो शेप है वो डिफरेंस है, यहाँ पे शेप जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पे शेप जो है वो डिफरेंट है। इस तरह आप आगे के चलते जाएंगे तो ये डेल्टा एल शो कर रहा है कि हमारे पास जो स्मॉल चेंज है किसी भी पोजीशन का, किसी भी लेंथ का, उसको हम यहाँ पे डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करने से मुराद ये है कि अब आप इसको इसी फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक फाइनलाइज आंसर आ जाएगा जो ये होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए आपको क्या बता रहा है, अगर आप लिमिट्स अप्लाई करते हैं, लिमिट्स कैसे अप्लाई करेंगे, अगर डेल्टा टी अप्रोच करेगा जीरो को तो लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास एक फाइनलाइज आंसर रहेगा कि डी एल सॉरी डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी इक्वल टू डी एल ओवर डी टी। और अगर आप इसको आर के बराबर रखेंगे यूनिट वेक्टर के, तो आपके पास ये इस तरह का हो जाएगा आर क्रॉस डी पी ओवर डी टी प्लस डी आर ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय पी। तो ये आपके पास एक फाइनलाइज इक्वेशन आ गई। दोनों को आपने बस याद रखना है, आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको अगर बता रहा है कि फंडामेंटल जो इक्वेशन होती है यानी डी एल ओवर डी टी इक्वल टू आर क्रॉस एफ और डी एल ओवर डी टी इक्वल टू टो, ये हमारे पास एक पार्टिकल की मूवमेंट है जो कि चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वही बात दोबारा दोबारा आपको बता रहा है कि जिस तरह मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूवमेंट करना है और मेरी पोजीशन जस्ट लाइक दिस है, तो दिस मींस कि मेरे पास एक पार्टिकल जो है वो कितनी दफ़ा अपनी शक्लों को जाकर चेंज करेगा। पहले इस तरह थी, फिर इस तरह से हो गई, फिर इस तरह से देखें हो गई, फिर इस तरह से हो गई। तो यही बात आपको बता रहा है कि एक पार्टिकल जो मूवमेंट करता है, मोमेंटम उसका चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस चीज़ को हम एंगुलर मोमेंटम जो है वो शो करते हैं या एंगुलर मोमेंटम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आगे भी देखिए आपको वही बात है कि एक उसने जो है वो शेप इस तरह की बनाई हुई, आगे उसने कहा कि पहले जो है इस तरह से थे, फिर उसने आगे जाके मूवमेंट किया तो वो इसकी शक्ल इस तरह से होगी, उसके बाद आगे जाके उसकी जो पीक पॉइंट होगी वो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। इस चीज़ को भी बस उसने वही रिप्रेजेंटेशन की हुई है, सिर्फ यहाँ पर जो है वो साइन और कोस साइन थीटा के साथ जो है वो एंगल के साथ ले आया है और यहाँ पर वो डेल्टा फाई से इसको रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा है। उसके आगे जो पॉइंट फोर है उसको देखिए, वो कह रहे हैं कंसिडर कर लें केस ऑफ मैनी पार्टिकल्स। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं जो अपने ओरिजिन से क्या करते हैं विद पार्टिकल मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टी या विद रिस्पेक्ट टू इट। इसका मतलब है कि वो चूज़ करते हैं अपने ओरिजिन से अपनी शक्ल को चेंज करते हैं, यानी कि अगर मेरे पास ज़्यादा पार्टिकल हैं एक से या एक से ज़्यादा पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अपनी शेप को चेंज करेंगे। तो इस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही काम जो जो है वो ऑलरेडी लेक्चर वन से करते आ रहे हैं कि एल इक्वल टू एल वन, अभी एल वन जो ये पार्टिकल वन है, फिर L2 ये पार्टिकल 2 है और जितने पार्टिकल्स होंगे उसको हम Ln से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम समीशन का साइन लगाएंगे और 1 जो है वो n तक जा रहा है और इसी के साथ साथ जो Ln है यानी कि तमाम तक जो पार्टिकल्स का n है वो हमारे पास इस फार्मूले के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अगर आप इसमें जो है वो डेरिवेशन अप्लाई करें दोबारा से dL यानी सिर्फ d का डिफरेंस आएगा d फॉर डेरिवेशन। तो ये तमाम बातें आपको आगे थ्योरी के फॉर्म में जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। अब हम जो पॉइंट 5 है उसको देखते हैं, द टॉर्क ऑन द सिस्टम, जो टॉर्क होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे कैन कम बोथ फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैंने हाईलाइट किया है, इसको याद कर लें। जो टॉर्क है मेरे पास किसी भी सिस्टम पे या किसी भी पार्टिकल पे वो एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो है वो आता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर देर कुड भी चार्ज पार्टिकल, हमारे पास कोई भी चार्ज है पार्टिकल का जो कि अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। अब ये अट्रैक्ट और रिपेल से मुराद है कि मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है या कोई टेस्ट चार्ज है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज से मिलेगा तो डेफिनेटली वहाँ पर रिपल्शन होती है, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा तो वहाँ पर अट्रैक्शन होती है। अदर वाइल दे आर ऑल इन एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोल्ड, और वो कह रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोल्ड मौजूद होगी मेरे पास, दिस मीन्स कि ये इस तरह से बनेगा कि समिशन टॉर्क इक्वल टू समिशन इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज की वजह से ही मेरे पास टॉर्क जो है वो मार्जे वजूद में आ रहा है। अगर इंटरनल या जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं अगर वो ना होती तो मेरे पास टॉर्क भी जो है वो नहीं आना था। और अगर दो पार्टिकल्स की फॉर्म में बात करें तो आपने इस तरह करना है कि टी वन प्लस टी टू, ये टी वन क्या है, ये आपकी वो जो है वो एक इंटरनल टॉर्क है और एक एक्सटर्नल टॉर्क है। देखिए आप इसने लिखा हुआ भी है कि इंटरनल टॉर्क भी पहले हम जो है वो करेंगे, तो टी वन प्लस टी टू इक्वल टू आर वन क्रॉस एफ वन टू। ये वन टू का मतलब क्या है हमारे पास, कि हमारे पास दो जो पार्टिकल्स हैं उनका ये टॉर्क है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो कोई भी जो टॉर्क है या कोई भी फोर्स है वो मार्ज है वजूद में आती है। आखिर में ये जीरो के बराबर हो जाएगा। कैसे जीरो के बराबर होगा, अगर मेरे पास फर्ज कर लें कि जो है वो नेट फोर्स जो है वो एक्टिंग करिए किसी भी सिस्टम और पार्टिकल पे और ये इक्वल हो जाता है टाइम रेट ऑफ चेंज पे, तो मेरे पास जो टोटल मोमेंटम होगा या टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा उस सिस्टम के बराबर हो जाएगा। या सिर्फ यही मुराद है, अगर आपको समझाना चाहूँ तो देखिए मेरे पास एक फोर्स जो है ये पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और एक पार्टिकल मेरे पास जो है वो दूसरी डायरेक्शन से आ रहा है इस तरह से, तो यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा, दोनों जब आपस में टकराएंगे तो डेफिनेटली कोई काम तो नहीं होगा, लेकिन मेरे पास जो फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी क्योंकि ये भी मैस डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये दूसरा वाला मैस भी जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे वो कह रहा है वन टू और वन टू। अब यानी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। आगे आपको कह रहा है कि डी एल ओवर डी टी इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, अगर मेरे पास कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी सिस्टम का डज नॉट चेंज विद द टाइम, तो वो टाइम के जो है वो साथ साथ चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मेरे पास कोई भी चेंजिंग जो है वो बाहर से मेरी शक्ल के अंदर या मैंने जो जिस भी मैस को फेंका है उसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रही होगी, तो इसलिए हमारे पास कोई भी चेंजिंग जो है वो वहाँ पर नहीं आएगी।
आगे देखिए, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर फॉल ऑन द टॉप ऑफ द रोटेटिंग डिस्क। ये असल में डिस्क का फार्मूला है, वो कह रहा है कि जो रोटेटिंग डिस्क है वो इसके बराबर होती है, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो अनचेंज्ड है। अनचेंज से क्या मुराद है कि वो अपनी शक्ल को चेंज नहीं कर रहा है। जिस तरह आई वन ये इनिशियलाइजेशन है ना, ये बराबर है फाइनल के, यानी कि मेरे पास ये एक डिस्क है और ये डिस्क यहीं पर मौजूद है, ठीक है। इस डिस्क में अपनी चेंज नहीं करना पोजीशन को, जिस तरह ये आपको बता रहा है, ये डिस्क आपके पास यहाँ पे मौजूद है और ये डिस्क का फार्मूला एम आर स्क्वायर ओवर टी है। तो अब वो कह रहा है कि अगर ये दो या तीन हो जाए तो यहाँ देखें थ्री एम आर स्क्वायर ओवर टी, पहला होगा वन का फिर होगा टू का फिर होगा थ्री का, ये तीन बनाई हुई ना यहाँ पे, तो डिस्क में यहाँ पे थ्री आ गया। तो वो कह रहा है कि अगर इनिशियलाइजेशन के बराबर होगी और अगर फाइनल भी इसके बराबर है तो हम इसको लिखेंगे कि आए और ओमेगा आई इक्वल टू आई ओमेगा एफ, यानी कि जो इनिशियलाइजेशन है वो हमारे पास फाइनल के बराबर है। और आप इसको, ये जो आपके पास ओमेगा है इसको आप एज इट इज यहाँ पे छोड़ दें और आप यहाँ पर आई के बराबर लेके जाए, चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपने इसको दूसरी तरफ जाके इसको डिवाइड कर लिया, तो ये हमारे पास फाइनलाइज इक्वेशन आ गई। और अगर आप इसको थ्री की पावर से करते हैं तो मल्टीप्लाई करें, सिंपल सा ये आंसर है, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास वन ओवर थ्री, ये थ्री बच गया ना, वन ओवर थ्री ओमेगा आई के जो है वो बराबर आ जाएगा। तो सिंपल ये इक्वेशन है, होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। आगे देखें, यू शुड बी अवेयर, अब आपको अवेयर दिला रहा है सिमिलैरिटीज की और डिफरेंस की जो कि इक्वेशंस के दरमियान है, कि डी पी ओवर डी आई इक्वल टू आर डी एल ओवर डी टी, यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इन केस ऑफ टॉर्क, फोर्स की फॉर्म में आप इसको इस तरह लिखेंगे और अगर टॉर्क की फॉर्म है तो आप इसको इस तरह लिखेंगे। तो ये मेन डिफरेंस है मोमेंटम का, बस आपने इसको अपने माइंड में रखना है। आगे देखिए, आपको कह रहा है कि अगर ये हम ओरिजिन से चेंज करते हैं तो हम यहाँ पर जो है वो एल डैश का साइन इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि थोड़ा सा डिफरेंस है मेरे पास, डिफरेंस जो है हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। लीनियर और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आपने याद रखना है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, डी टी इक्वल टू डी वी ओवर डी टी ओमेगा प्लस आर, और ऊपर ये जो एरो शो कर रहा है दिस मीन्स कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इस तरह से आगे डी ओमेगा ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय आर प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई डी आर ओवर डी टी, अब तो जो है वो अल्फा के बराबर रख दिया है इस तरह से, और आगे बाकी सारा जो है एज इट इज है, और डी आर ओवर डी टी को उसने वी के बराबर रख दिया है, बाकी तमाम फिर कॉन्सेप्ट जो है ऊपर से एज इट इज ने नीचे उतार लिया। यहाँ तक आपका जो है वो लेक्चर था, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा, थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल टाइप जो है वो लेक्चर था, आपने इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में आपका कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आता है। इंशाल्लाह जब मैं आपको तैयारी करवाऊंगा अपने चैनल पे तब आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट करवा दिया जाएगा। होपफुली जहाँ तक अंडरस्टैंड आपको कॉन्सेप्ट करवाया वहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, कुछ चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपके मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर कर दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह।